दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से सबसे जरूरी है मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की तो खूब बात होती है, लेकिन मरीज प्रोटेक्शन बिल की सबसे ज्यादा जरूरत है इस राज्य को। आप लगातार आप देखिएगा, तमाम ट्वीट देखिए, सीएम के तमाम सदस्य देखिए, तो परेशान लोग होते हैं, दुर्घटना होते हैं, अचानक बीमारी होते हैं, नजदीकी अस्पताल में भर्ती कर देते हैं और कोई उसका माई बाप नहीं है किस रोग का है क्या होगा। तो इसलिए मरीज के भी जो निजी हॉस्पिटल है जिसकी बात की चर्चा हो रही थी उस पे किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य में झारखंड के लिए जरूरी चीज सोचने की जरूरत है कि तमाम ठेका कही हम मजदूर हैं, तमाम जो है संगठित मजदूर घट रहे हैं और उनकी एक अलग तरीके की बीमारियां है, वो कोई सरकारी हॉस्पिटलों से भी संबंध हॉस्पिटलों से नहीं है। और एनआरएचएम के भारत सरकार ने ऐसे 27 बीमारियों की सूची जो है दर्ज की है, जो सीमेंट ढोते हैं, जो लोग कोयला ढोते हैं, जो लोग पत्थर काटते हैं, वो सिलिकोसिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, इस तरह के। अब हमारे जितने भी अभियान चलते हैं वो गांव में वो है सीएससी के माध्यम से प्रखंड से, वो उसमें कवर नहीं होते हैं। तो इसलिए अब ये जोर दिया जा रहा है, साउथ के राज्यों ने कुछ किया है कि भाई ऑक्यूपेशनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस फॉर अनऑर्गेनाइज सेंटर, इसके लिए एक अलग से विंग बनाने की जरूरत है जो उनके इस जागरूकता को जितने भी असंगठित मजदूर है वो चाहे कोयला के क्षेत्र में हो, चाहे वो सीमेंट ढोने के क्षेत्र में हो, और इनको कोई दर्ज भी नहीं होता है। सिलिकोसिस से कितनी भी मौतें हो गई हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं पूरे पत्थर के खदानों में, बाकी चीजों में। तो झारखंड में जरूरी है कि इस दिशा में जो है एक अलग से विंग बनाया जाए जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो कुछ 27 बीमारियों की सूची है वो उनके लिए अभियान चलाए, उनके लिए काम चलाए, उनके चीजों के लिए करेंगे।